विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कैंपियरगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री और विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कलेक्टर परिसर के न्यायालय में नामांकन किया। जीत के प्रति अस्वस्थ दिखे कैंपियरगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि विकास का मुद्दा, कोरोना काल के प्रबंधन का मुद्दा, आम जनता को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लाभ, मुफ्त राशन, 24 घंटे बिजली विषयों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि नौजवानों के लिए 60 लाख रोजगार की बात इस बजट में भारत सरकार ने लाई है। फर्टिलाइजर के माध्यम से हजारों हजार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने कहा, आप लोग यही रुकिए, 5 लोग केवल जाएंगे, रुकिए आप लोग, आप लोग परेशान ना होइए भाई, रुकिए ही। वकील 12-20 तक नहीं रोक सकते हो जाएंगे वो डबल चलाना होता है। इधर देखिए, वजह हल्ला करते अपने लोग, समय प्रस्तावक नहीं। अमन की गेट में फोटो बना लिया, तब तुम आइए आप बनाइए फोटो बना ले हम लोग आपका, उसके बाद भैया भाई हो गया, चल भैया पीछे। बहादुर योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, फतेह बहादुर जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ फतेह बहादुर जिंदाबाद, आज नामांकन हुआ है आपका, जी जी, मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। विकास का मुद्दा है, कोरोना काल का प्रबंधन का मुद्दा है, आम जनता को जो सरकार द्वारा लाभ हमने गांव में पहुंचाया, मुफ्त राशन और जो लंबी 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, इन विषयों को लेकर के गांव में जा रहे हैं। जनता संतुष्ट है, वोट देने को तैयार है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? नौजवानों के लिए अभी 60 लाख रोजगार की बात इस बजट में भारत सरकार लाई है, रोजगार आ रहे हैं और भी रोजगार होंगे, फर्टिलाइजर के माध्यम से हजारों हजार नौजवानों को रोजगार मिलेगा।